रहमान रहीम, आपका मेज़बान रूहानी मौलिज हाफिज़ मोहम्मद उस्मान आज आपके खिदमत में अमल पेश कर रहा हूँ, हर आफत से महफूज रहने का अमल। अगर आपको लगता है कि आपके घर के ऊपर कोई जादू कर रहा है, कोई जन्नात मुसल्लत हो रहे हैं, या कोई आफतें आ रही हैं, या कोई नहुसत आ रही है, कोई भी बीमारियाँ आ रही हैं, किसी भी किस्म का कोई आपको लगता है आपके घर पर, आपके बच्चों पर, आपके शोहर पर, आपकी बीवी पर, आपके वालदैन के ऊपर, या आपके कारोबार के ऊपर आपको लगता है कि कोई चीज़ आके हमला करती हैं, कोई नज़र बद है, कोई हसद है, हासिद जो है अपना हसद फेंकता है, दुश्मन है अपनी दुश्मनी करता है, या कोई रूहानी ऐसी चीज़ है जो आपको तंग कर सकती है, तो उसके लिए ये अमल कीजिएगा इंशाअल्लाह ताला। इस अमल की बरकत से अल्लाह ने चाहा तो आपके तमाम मामला से हिफाजत रहेगी, गैबी तौर पर अल्लाह आपकी हिफाजत करेंगे, अल्लाह ताला की मुआवनत होगी इंशाअल्लाह ताला इस अमल की बरकत से, और आपका घर और आपके अहले खाना, आपका कारोबार इंशाअल्लाह ताला महफूज रहेगा। जो साथी चाहते हैं उनको हमारे आमाल वक्त पे मोबाइल पे मौसूल होते रहें, वो हमारे तमाम ग्रुप्स को ज्वाइन कर लें, हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लें, फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन कर लें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज को लाइक कर लें, और हमारी इदारा रूहानियात मोबाइल एप्लीकेशन को अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लें, तो इंशाल्लाह ताला हमारे तमाम आमाल आपको वक्त पे मोबाइल पे मौसूल होते रहेंगे। इन तमाम के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएंगे। चलते हैं अमल की तरफ। अमल ये करना है आपने कि ये ख़वातीन मखसूस है, यहाँ में भी जारी रख सकती हैं, घर में बच्चों को भी करवा सकते हैं, बहुत आसान अमल है, मर्द हज़रात भी कर सकते हैं। आपने ये अमल तीन टाइम करना है, फजर के बाद, असर की नमाज के बाद, मगरिब से थोड़ी देर पहले, या असर और मगरिब के दरमियान भी कोई भी टाइम आप सेट कर लें, और रात को सोते वक्त तीन दफ़ा आपने करना है। आपने अल्लाह ताला का नाम या ज़ाहिरू अव्वल आखिर तीन दफ़ा दुरूद शरीफ 111 मरतबा या ज़ाहिरू, ये पढ़ने के बाद आपने क्या करना है, अपने दोनों हाथों पे फूंक मारनी, अपने जिस्म पर मार लेना है, बच्चों का तसव्वुर करके उन पर दम करना है, घर का तसव्वुर करके, घर के तमाम पाक कोनों का तसव्वुर करके उसमें फूंक मारनी है, शोहर का तसव्वुर करें, बीवी का तसव्वुर करके, कारोबारी जगह का तसव्वुर करके उन पर फूंक मारें, जहाँ मतलब जहाँ बैठ के पड़ा है वहीं पर बैठे बैठे सबको फूंक मार सकते हैं। इंशाल्लाह ताला इस अमल की बरकत से हिफाजत रहेगी और आफियत भी रहेगी, और साथ साथ अगर कोई मामला जादू जिन्नात के हैं तो उसका इलाज लाजमी करें, ताकि घर से गंदगी साफ़ होने के बाद हिफाजत रहे। खुशबू उसके बाद लगाई जाती है जब गंदगी निकल जाती है, तो जब अगर आप जादू जिन्नात के मसाइल हैं तो उसका इलाज मस्त करवाएं अपने किसी भी एतमाद वाले मौलवी से। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।